अलीना के कातिल का सुराग घर से ही मिल गया। बहन की कातिल बहन ही निकली। मोबाइल फोन के पैगाम जैसे जैसे सामने आते गए कहानी खुलती गई। पुलिस ने सारा भांडा फोड़ दिया। बहन अलवीना ने कातिल के लिए अपने मंगेतर का इस्तेमाल किया। मंगेतर का ही फोन आया था सुबह के पापा गए बता बेटा दरवाजा खोल ये वो ये बात हुई थी। फिर मैंने अपने मंगेतर को अंदर बुलाया था। छुरी भी मैंने दी थी उनको। उन लोगों ने बात भी की थी अलीना से देखो समझाया था पहले कि देखो अलीना सब खत्म कर दो मंगनी कर रहा हूँ अच्छी बात नहीं है। मैं उस तुम्हारा जीजू जीजू लगता अगर तुम मुझे मानती हो तो मेरे खातिर कह रही नहीं मैं क्यों खत्म करूँ मैं खत्म नहीं करूंगी मैं दिखाऊंगी सबको मीडिया में वहाँ पे लेके फेसबुक पे यूट्यूब पे नेट पे सब पे छोड़ूंगी मैं आपकी गंदी गंदी वीडियो पूरी पूरी। तो वो कैसे बर्दाश्त करता वो मुझसे शादी कर रहा है वो किस तरह बर्दाश्त कर लेता है वो ये हरकत तभी उसने भी कदम हम दोनों ने उठाया। मुलजिमा अलवीना का कहना है कि मकतूला के एहसन के साथ ताल्लुकात थे। एहसन के भाई अब्बास को हकीकत से आगाह किया तो उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। एहसन और अब्बास न जाने और कितनी लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद कर चुके हैं। अलीना को नाजेबा तस्वीर तो उसने इनकार कर दिया। एसएसपी कोरंगी नौमान सदीकी के मुताबिक अलवीना ने बहन के ना मानने पर अपने मंगेतर मजहर को सब कुछ बताया। मजहर घर आया अलीना को समझाया और ना मानने पर कत्ल कर दिया। मजहर ने अलीना को पकड़ा और अलवीना ने बहन के गले पर छुरी फेरी। आसिफ जरदारी की उमरकोट आमद अली मर्दान शाह के बेटे की शादी की तकरीब में शिरकत। साबिक सदर ने अगला जलसा मीरपुर खास में करने का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी का कहना है बेनजीर भुट्टो एक शेर की बेटी थी उन्हें धरती से प्यार था इसलिए वो वतन वापस आए। हमारा मुतालबा है नवाज शहबाज शरीफ साहब और राणा सनाउल्ला और बाकी उनके ब्यूरोक्रेट्स और अफसरान फौरी तौर पे स्टेप डाउन करें मुस्ताफी हों अपने आप को कानून के आगे सरेंडर करें और पनामा की तर्ज की एक आजाद खुद मुख्तार जीआईटी बनाई जाए। मगर इन्होंने इस मुतालबे के नतीजे में स्टेप डाउन न किया। अवाम की पुरम ताकत से जमहूरी ताकत से इनको किकआउट करना ये हमारा हक है हमने उसे महफूज रखा है हम किसी भी वक्त इसका ऐलान कर सकते हैं। ये 30 मार्च से पहले पहले किकआउट होंगे। पाकिस्तान में जालमों चोरों डाकुओं करप्ट डिसऑनेस्ट खाइन झूठे शरीफ खानदान की सियासत इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की लाहौर में डॉक्टर ताहिरुल कादरी की रहाइशगाह आमद। सरबरा अवामी तहरीक से मुलाकात डॉक्टर ताहिरुल कादरी का सानिहा मॉडल टाउन पर जीआईटी बनाने का मुतालबा। कहते हैं हुकूमत के खिलाफ किसी भी वक्त सड़कों पर निकलने का ऐलान कर सकते हैं। शेख रशीद ने कहा शरीफ खानदान की सियासत पाकिस्तान से खत्म हो गई। फैसलाबाद में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पीर हमीदुद्दीन सियालवी जलसा गाह पहुंच गए। कॉन्फ्रेंस में नून लीग के 15 के करीब अरकान असेंबली का इस्तीफा देने का इम्कान। एमकेएम लंदन की 4 विकेटें गिर गईं। बाबर गौरी और शमीम सिद्दीकी ने एमकेएम लंदन को खैर बात कह दिया। पार्टी रुकनियत से मुस्ताफी। तहरीक इंसाफ शेखुपुरा में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने को तैयार। कप्तान इमरान खान खिताब करेंगे। जमीयतुल इस्लाम फे का भी आज शेखुपुरा में जलसा। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत अटक में पुलिस और रेंजर्स का टारगेटेड ऑपरेशन। 5 अफराद गिरफ्तार। असलहा बरामद। पिंडी भटिया में पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। इश्तियारों से उम्मीद 14 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा और मनशियात भी बरामद। इस्लामाबाद में 2 ग्रुपों में फायरिंग। 3 अफराद जा बहक। फायरिंग करने वाला एक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के साहिल पर पुलिस का एक्शन। 34 1 व्हीलर्स गिरफ्तार। वजीर दाखला सिंध सुहेल अनवर सयाल का सीबीयू का दौरा। कहते हैं 1 व्हीलिंग जानलेवा खेल है एक जान भी बचा ली तो समझेंगे कामयाब हो गए।
मर्दान के करीब धुंध के बाइस ट्रैफिक हादसा, इस्लामाबाद जाने वाली गाड़ी उलट गई, हादसे में मुतअद्दी तालिबात जख्मी, मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल। पंजाब फूड अथॉरिटी की लाहौर के दाखिली रास्तों पर कार्रवाई, सैकड़ों लीटर मुजरे सेहत दूध तलब कर दिया गया। दिन मनाया जा रहा है, हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक का कहना है, मकबूजा कश्मीर के आवाम को इंसान क्यों नहीं समझा जाता, इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर पैगाम। शोभा कोई भी हो, भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया, दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम को दिल्ली से मुंबई जाने वाली परवाज में एक शख्स ने जिनसे हिरासा किया, शिकायत पर एयरलाइन अमले ने कोई नोटिस न लिया, ज़ायरा वसीम ने सोशल मीडिया पर रोते हुए वाकये से आगाह किया। खातून के नाम एक और एजाज, साइक्लिस्ट समर खान ने अफ्रीका की बुलंद तरीन चोटी सर कर ली, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की बेटी की कामयाबी पर खैर मकदम, सहूलियात देने की हिदायत। लाड़काना और सखर में बारिश, मुल्तान और खैरपुर में भी बूंदाबांदी, सर्दी बढ़ गई, मुल्क के बेशतर इलाकों में कल से बारिशों का इम्कान, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी मुतवक्के, महकमा मौसमियात की पेशगोई।